हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर का ड्रामा जूलियस सीजर ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीजर का घर, बादलों की गरज और बिजली की चमक। सीजर प्रवेश करता है, यानी कि सीजर एंटर होता है। सीजर कह रहा है, आज रात धरती और आकाश दोनों पूरी तरह से अशांत रहे हैं। 3 बार कल्पूनिया सोते हुए चिल्लाई है, बचाओ बचाओ, वो सीजर का मर्डर करने लगे हैं। फिर वो पूछता है कि क्या कोई है, सर्वेंट के लिए पूछता है। तो सर्वेंट आके पूछता है, यस माय लॉर्ड, बताइए मैं हूं। तो सीजर कहता है कि जाओ पुजारियों को कहो कि कोई बलि चढ़ाए, किसी का बलिदान दे और मुझे सफलता की राय दे। सर्वेंट जाता है और कहता है, यस आई विल माय लॉर्ड, मैं जा रहा हूँ। उसी में कैल्पूनिया, जूलियस सीजर की वाइफ, एंटर होती है। कैल्पूनिया कहती है, सीजर तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम घर से बाहर जाने का सोच रहे हो? आज तुम्हें किसी भी हालत में घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। सीजर कहता है, मुझे आज जरूर बाहर जाना होगा। कोई चीज सिर्फ तभी डराती है जब मैं वहां नहीं होता, और जब मैं उस चीज के सामने आ जाता हूं तो उसका डर गायब हो जाता है। कल्पूनिया कहती है, सीजर तुम जानते हो कि मैंने पहले कभी इन शगुन अपशगुन की बातों में ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार मुझे सचमुच उनसे बहुत डर लगने लगा है। उन डरावनी चीजों के अलावा जो हमने खुद देखा है और सुना है, और कुछ दूसरे भी हैं जिनके बारे में एक आदमी बता रहा था जो इस समय घर के अंदर बैठा हुआ है, जिसने इन सभी चीजों के बारे में चौकीदार से सुना है और देखा भी है। एक शेरनी अपने बच्चों को लेकर शहर की गलियों में आ गई है। कब्रों में मूल उसके जो कब्र मतलब जो कब्र होती हैं, उसके जो मुंह है वो खुल चुके हैं। उनमें पड़े हुए मुर्दे इधर उधर घूमने लगे हैं। भयानक चेहरे वाले सैनिक जिन्होंने आग के कपड़े पहने हुए हैं, और वो युद्ध की तैयारी करने में सजे हुए थे, ऊपर बादलों में लड़ रहे थे, जबकि उनका खून नीचे कैपिटल यानी कि संसद भवन के ऊपर टपक रहा था। एटमॉस्फियर यानी कि वातावरण, शस्त्रों के टकराने की आवाज, घोड़ों के हिनहिनाने और मरते हुए सैनिकों के कर्राने की आवाज से भरा हुआ था, और गलियों में भूतों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सीजर, ये सभी चीजें साधारण बिल्कुल नहीं है, और एज अ रिजल्ट मुझे बहुत डर लग रहा है। सीजर कहता है, जब उन महान देवताओं ने किसी चीज को पहले से निश्चित कर दिया हो तो ऐसी कोई कार्य शक्ति नहीं है जो उसे बदल सकती है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। वो अपशुकन वाली बात, जो भी बातें हैं जिनसे तुम्हें डर रही हो, जिससे तुम डर रही हो, वो पूरे संसार से उतना ही संबंध रखती है जितना वो मुझसे। कल्पूनिया कहती है, जब भिखारियों को मरना होता है तो उनके मरने की पूर्व सूचना यानी कि पहले जो सूचना दी जाती है वो आकाश में धूमकेतुओं के द्वारा नहीं दी जाती, लेकिन महान राजाओं और राजकुमारों की मृत्यु के संबंध में आकाश के सितारे पहले से बतला देते हैं। सीजर कहता है, डरपोक लोगों को हमेशा चिंता में बनाए रखने वाला डर एक प्रकार से जीते हुए ही मर जाने के समान होता है। वो मृत्यु की जो पीड़ा होती है और जो डर होता है उसको अपने मरने से पहले अनेक बार झेलते हैं। डरपोक लोग मरने से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन जो वीर मनुष्य होते हैं वो डर को, इस पीड़ा को
सिर्फ एक ही बार सहन करता है, जब वो हकीकत में मरता है। सबसे अजीब बात तो मैंने सुनी है वो ये है कि लोग मरने से डरते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये निश्चित रूप से ये होने ही वाला है। मृत्यु से कभी बचा नहीं जा सकता और इसे अपने निश्चित समय पर आना ही होता है।